पश्चिम बंगाल के मंत्री और शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी 3 अगस्त तक केंद्रीय एजेंसी ईडी की हिरासत के आदेश के बाद कोलकाता में मंगलवार को सीजीओ कॉम्प्लेक्स परिसर पहुंचे। दरअसल ईडी स्कूल भर्ती घोटाले में कथित वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही। ईडी ने अदालत से अर्पिता मुखर्जी को भी 13 दिनों के लिए हिरासत में सौंपने का अनुरोध किया था। ईडी ने अपनी दलील में कहा है कि चटर्जी बंगाल सरकार द्वारा संचालित SSKM अस्पताल में बीमारी का बहाना बनाकर भर्ती हुए थे और शनिवार को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें 2 दिनों की रिमांड पर दिए जाने के दौरान केंद्र एजेंसी उनसे पूछताछ नहीं कर सकी। एम्स भुवनेश्वर के चिकित्सकों ने कहा कि वह गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, लेकिन उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। ईडी ने अस्पताल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए चटर्जी को 10 दिनों के लिए हिरासत में देने का अनुरोध किया था। मंत्री की जमानत याचिका खारिज करते हुए बैक्साल कोर्ट में ईडी की विशेष अदालत के न्यायाधीश जीवेन कुमार साधु ने मंत्री तथा उनके करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी को 3 अगस्त तक के लिए जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया। अदालत ने रात करीब 11 बजे अपने आदेश में कहा कि 22 जुलाई को गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को 3 अगस्त को फिर से अदालत में पेश किया जाए। ईडी ने चटर्जी को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। कोलकाता उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई को ईडी को चटर्जी को एयर एम्बुलेंस से एम्स भुवनेश्वर में ले जाने का निर्देश दिया था। अस्पताल के कार्यकारी निदेशक आशुतोष विश्वास ने संवाददाताओं से कहा, हमने चटर्जी के रक्त, किडनी, थायराइड और हृदय संबंधी जांच की है। उन्हें कुछ गंभीर बीमारियां हैं, लेकिन तत्काल अस्पताल में भर्ती होने की कोई आवश्यकता नहीं। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी बताई जा रही अर्पिता मुखर्जी 12 मुखौटा कंपनियां चला रही थी और वो ऐसा मुख्य रूप से आर्थिक हेरफेर के लिए कर रही थी। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शनिवार शाम को मुखर्जी के जोका स्थित फ्लैट से तलाशी के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद किए गए थे जो ऐसी कंपनियों के होने का समर्थन करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।